हे मेरे साथियों, मांग में सिंदूर नहीं डाला, हाथ में चूड़िया नहीं पहनी बहन जी ने, अपना घर परिवार नहीं बसाया बहन जी ने, किसके लिए? हम सब के लिए। जिस समाजवादी ने हमारे महापुरुषों के नाम से जिले को खत्म कर दिया, जिस समाजवादी ने हमारे लिए बैकलाग की भर्ती रोक लगा दिया, जिस समाजवादी ने ठेकेदारी का आरक्षण खत्म कर दिया, जिस समाजवादी ने प्रमोशन के आरक्षण का बिल फवाया, जिस समाजवादी ने डिमोशन करके अपने लोगों को बेइज्जत कराया, वो आपका मिशन पूरा करेंगे? जिस पार्टी का खाली SC ST 26% 25%, ये पार्टी डमी हो गई, और जिसका कोई बेस नहीं, वो लड़ाई भाजपा से लड़ेगी। BSP को साजिश के तहत कमजोर तो किया जा सकता, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। बाबा साहब ने आपका वोट का अधिकार इसीलिए दिया था कि आप राशन पर बेच दोगे? अरे मना कर दो कि हमको राशन नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई चाहिए, हमें अपने बच्चों की अच्छी दवाई चाहिए, हमें अपने बेटी और बेटा को नौकरी चाहिए। जब तक इस देश की हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगी, जब तक माननीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, तब तक बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरी तरह लागू नहीं हो सकता। जाति धर्म समाज के लोगों को इस नियत से दे करके गए थे कि ताकि सभी जाति धर्म समाज के लोग इस वोट के बल पर जीत करके पार्लियामेंट, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा जाने का काम करेंगे और अपने समाज के हित की बात को वहां रखने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, वोट कब पड़ना शुरू हुआ? 1952 में। BSP का कब गठन हुआ? 1984 में। वोट पड़ना कब शुरू हुआ? 52। BSP बनी कब? 84। कितने साल हो गया? 32 साल। इन 32 सालों तक इस देश में जो 52% बैकवर्ड है, इसकी राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% मिलती थी। ये तो धन है मान्यवर कांसी राम साहब, मान्य बहन जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाया। तो मान्यवर कांसी राम साहब ने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी। अगर देने का किसी ने काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने देने का काम किया। मान्यवर साहब ने कहा कि जिनको पहले मिलता था उनको भी मिलेगा, जिनको पहले मिलता था उनको भी मिलेगा, जिनको कभी नहीं मिला उनको भी मिलेगा, लेकिन जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। डॉक्टर VR अम्बेडकर साहब ने जब इस भारत देश का संविधान बनाया तो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया। सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को न्याय देने के लिए बाबा साहब ने उस संविधान में व्यवस्था दिया है, और बाबा साहब के ही मिशन को लेकर के BSP चल रही है। तो ये BSP भी किसी के साथ ना इंसाफी नहीं कर सकती, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। ए मेरे साथियों, अभी अभी नगर पंचायत, नगर पालिका, टाउन एरिया, वार्ड, महापौर में चुनाव के लिए आरक्षण आने की बात आई। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सही रूप में पिछड़ों को, SC को, ST को अगर सही रूप से आरक्षण दे दिए होते तो क्या किसी को कोर्ट जाने की जरूरत पड़ती? पहले तो सही रूप में आरक्षण दिए नहीं, और उसके बाद जब लोग कोर्ट गए, कोर्ट का रिजल्ट आया तो क्या कह रहे हैं? हम आपके लिए कमेटी बनाएंगे, समिति बनाएंगे, सर्वे कराएंगे, फिर से आपको आरक्षण देंगे। अरे भाजपा वालों, अगर सही रूप में आप आरक्षण लागू कर ही दिए होते तो नाटक करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। जब ये सर्वे कराने लगे तो एक समाजवादी के लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं कि जब तक पिछड़ों का सही रूप से आरक्षण नहीं लागू होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। आगे क्या करोगे ये तो पता नहीं है, लेकिन पहले आपने क्या किया है ये तो हम लोगों को मालूम है। जरा आप लोग मेरी बात का जवाब दीजिएगा। आप ये बताइए साथियों, लोकसभा में प्रमोशन का बिल किसने फड़वाया? बोलिए सब लोग, भूख तो लग गई होगी, लेकिन हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोलो। लोकसभा के अंदर पार्लियामेंट का बिल किसने फड़वाया प्रमोशन के आरक्षण का? बैक लाख की भर्ती SC ST OBC की हो रही थी, इसको रोक किसने लगवाया?
तहसील से एसडीएम हुए, डीवाई एसपी से एसपी हुए, इनको डिमोशन करा करके और अपनी ही तहसील में इनको अपमानित कराने का काम किसने कराया? मान्य बहन जी ने सोचा कि एससी सिरुका समाज का तमाम नौजवान बेरोजगार होकर घूम रहा है, इसको ठेकेदारी में आरक्षण दे दो ताकि ठेकेदारी सीख जाए। तो ठेकेदारी का आरक्षण किसने खत्म कराया? समाजवादी ने। बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत गुरुओं महापुरुषों के नाम से मान्या बहन जी ने जनपद बना करके, पार्क बना करके और उद्यान बना करके, तमाम स्मारक बना करके सम्मान देने का काम किया। जैसे जिला जो बनाया, प्रबुद्ध नगर जिला, भीम नगर जिला, पंचशील नगर जिला, महामाया नगर जिला, ज्योतिबा फूले नगर जिला, मानवर कांसी राम साहब नगर जिला, छत्रपति साहू जी महाराज नगर जिला, रमाबाई अम्बेडकर नगर जिला, संत रविदास नगर जिला, संत कबीर नगर जिला, ये किसने बनाया? किसने बनाया? इसके लिए अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए। और किसने जिला खत्म करके अपमान किया महापुरुषों का? कायद आ रहा था, जोर से बोला, अगर इतनी लड़ाई अपने महापुरुषों के लिए नहीं लड़ पाओगे तो इस देश की हुकूमत नहीं कर पाओगे। और आज तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके गए हैं तो क्या कहते हैं? अब बहुजन में जन्मे महापुरुषों का मिशन समाजवादी पूरा करेंगे। अरे उनको सीधे कहना चाहिए कि मैं अपना मिशन पूरा करने गया हूं। जिस समाजवादी ने हमारे महापुरुषों के नाम से जिले को खत्म कर दिया, जिस समाजवादी ने हमारे लिए बैकलाग की भर्ती रोक लगा दिया, जिस समाजवादी ने ठेकेदारी का आरक्षण खत्म कर दिया, जिस समाजवादी ने प्रमोशन के आरक्षण का बिल फवाया, जिस समाजवादी ने डिमोशन करके अपने लोगों को बेइज्जत कराया, वो आपका मिशन पूरा करेंगे? वो आपका मिशन पूरा करेंगे? हे मेरे साथियों, बड़ी समझदारी से काम करना पड़ेगा। आज इस 22 के चुनाव में क्या हुआ है? 22 के चुनाव में क्या हुआ आपको मालूम है? बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई। इस साजिश को मैं आपको 10 मिनट में और समझा करके अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो रहा, मैं भी घड़ी देख रहा हूं। साथियों, इस 22 के चुनाव में आप जरा ईमानदारी से बताओ, बीएसपी के आज कितने सांसद हैं? 10 और समाजवादी के 3 बचे हैं। तीने बच्चे हैं। अब आप एक बात और बताओ कि 10 सांसद वाली पार्टी बढ़िया लड़ाई लड़ेगी मजबूती से, 5 और 3 वाली? लेकिन इस भाजपा के प्रचार तंत्र ने क्या दिखाया? भाजपा के प्रचार तंत्र ने एक षड्यंत्र, एक साजिश के तहत, बेईमानी के तहत 10 सांसद वाली पार्टी को डमी बता दिया और 5 सांसद वाली पार्टी को लड़ाई में बता दिया। और हम आप मान गए, हम आप मान भी गए। इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी को डमी बता दिया जाता है और एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई में दिखा दिया जाता है। जिस बीएसपी के पास खाली एससी एसटी, मेरे भाइयों जरा गौर करिएगा मेरे बात को, जिस पार्टी का खाली एससी एसटी 26% 25%, ये पार्टी डमी हो गई। और जिसका कोई बेस नहीं वो लड़ाई भाजपा से लड़ेगी। ये भाजपा की एक षड्यंत्र था, चाल थी, साजिश थी कि अपने प्रचार तंत्र के बल पर इसका प्रचार कराया और हम वही देखे वही माने जो भाजपा के प्रचार तंत्र ने दिखाया, हमको वो नहीं मानना चाहिए था। ए मेरे सम्मानित साथियों, आपको मालूम होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज ये भारत देश की आम जनता परेशान है। किससे? महंगाई से परेशान है कि नहीं? भाजपा किस बेस पे आई थी? इस देश में महंगाई बहुत है, हम आएंगे तो हम सस्ता करेंगे हर सामान को, महंगाई दूर करेंगे। लेकिन जरा गौर कर लीजिएगा, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे दाल हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे सेब हो, चाहे बर्तन हो, हर वस्तु की कीमत 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? आज आम जनता परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, व्यापारी परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है। लेकिन मुस्लिम समाज को कुछ ज्यादा डराया गया है। क्या डराया गया?
कि लड़ाई तो सपा की है, उसको वोट दे दोगे तभी भाजपा हारेगी। जरा आप गौर करिए मेरी बात को, ये भाषण नहीं है। इसलिए ऐसा दिखाया गया कि अगर पूरा मुस्लिम समाज समाजवादी को वोट दे भी दे तो 20% मुस्लिम और समाजवादी का बेस और 7-8%, 8% मान लो तो 20-8 कितना होगा, 28, और 2-3% माहौल का 29-30, 31 कुछ जाते जाते समाजवादी खड़ी हो गई। समाजवादी 31 कुछ जाते जाते खड़ी हो गई। लेकिन अगर साथियों ईमानदारी से बीएसपी को लड़ाई दिखाया गया होता तो बहुजन समाज पार्टी का बेस और 26% और अगर 20 मुस्लिम माइनॉरिटी भाई आ जाता तो 26-20 कितना होता, 46। और जो पिछड़ा बैकवर्ड जिसने देखा कि समाजवादी की लड़ाई हो गई, बीएसपी को डमी दिखा दिया गया, तो समाजवादी को बैकवर्ड वोट इसलिए नहीं देना चाहता है कि समाजवादी की जब सरकार आती है तो पूरे बैकवर्ड का हिस्सा एक ही परिवार के लोग खा जाते, दूसरे को नहीं मिलता। और इधर बीएसपी को डमी दिखा दिया गया तो वो कहां चला गया, बिना मांगे भाजपा में चला गया, बिना मांगे भाजपा में चला गया। लेकिन अगर भाजपा का प्रचार तंत्र सही दिखाता, हमारा 26% मुस्लिम और हमारा 26% CST और 20% मुस्लिम, हम 46 हो जाते। और अगर पिछड़ी जाति का 52 में से 25-30% भी हमारे पास आ जाता, आप पिछड़ा खाली 30%, तो 46-30 कितना होता, 76। और अगर 4% माहौल वाला आ जाता, हम पहुंचते 80 और 50% भी वोट पड़ता तो बीएसपी होती 40 पर, और अगर 60-65% पड़ता तो बीएसपी होती 42-43-45%। और अगर आपका 42-43% वोट होता तो भाजपा का वार्ड से लेके नगर पंचायत पालिका गांव से लेकर के विधानसभा लोकसभा तक कहीं खाता नहीं खुलेगा। और ये नई बात मैं नहीं बता रहा हूं, जब 2007 में हमारा मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, SC ST समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज जब बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हुआ तो पूर्व मोहम्मद में सरकार बनी, बहन जी मुख्यमंत्री बनी कि नहीं बनी है? और भाजपा कितना वोट पाए रही, जरा 7 में गौर करिएगा, जाइए पीछे देखिए, 7 में 80% सीटों पर भाजपा 10,000 नहीं करा सकी थी, न 7 में न 12 में। भाजपा की हैसियत मालूम क्या रहती थी, 80% सीटों में प्रदेश के 4,000, 6,000, 2,000, 3,000, 8,000, 9,000, 10,000 कहीं चर्चा नहीं हुई कि बीजेपी खत्म हो गई। लेकिन आज अगर भाजपा के लोगों ने, समाजवादी के लोगों ने एक नूरा कुश्ती किया, नूरा कुश्ती का मतलब मिली हुई कुश्ती, कभी तुम गिर जाओ इनाम हम ले, कभी तुम गिर जाओ इनाम हम ले ले, एक साजिश किया, षड्यंत्र किया, तब भी बहुजन समाज पार्टी आज 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 80,000, 90,000, 99,000 तक वोट मिला और हर चौराहे पर चर्चा हो गई, बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी मिट गई। बीएसपी खत्म नहीं हो सकती, बीएसपी सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, बीएसपी बाबा साहब का मिशन है, मान्यवर कांसी राम साहब का संघर्ष और सोच है, और मान्य बहन जी आज भी लगातार संघर्ष कर रही हैं। बीएसपी को साजिश के तहत कमजोर तो किया जा सकता लेकिन मिटाया नहीं जा सकता इस देश में मेरे साथियों। आपको इस बातों पर गौर करना पड़ेगा, अपने विवेक से, अपने ध्यान से आपको वोट करना पड़ेगा, इन प्रचार तंत्र के दिखानों पर नहीं, क्योंकि बीजेपी के प्रचार तंत्र है ये आपके हित की बात को नहीं दिखाएंगे मेरे साथियों। अब जानते हो भाजपा के लोग क्या कहते हैं, हमें तो सुनकर के शर्म आता है। भाजपा के लोग कहते हैं कि बीएसपी का वोट तो हम राशन पर ले लेंगे। क्या मेरे भाइयों, बाबा साहब ने आपका वोट का अधिकार इसीलिए दिया था कि आप राशन पर बेच दोगे? आप ईमानदारी से बताओ कि एक यूनिट पे कितने किलो मिलते हैं, 5, और जब आप पैसे से लेते थे तो कई रुपए मिलता था, 2-2.5 रुपए किलो ना, हम 3 रुपए मान ले रहे हैं तो 5 किलो का दाम कितना हुआ, 5 × 3 = 15 रुपया, 15 रुपए का फ्री राशन लेकर के एक यूनिट भी जब आते हो तो बाहर कोई कोई भाजपाई खड़ा रहता है, जैसे कोटे के बाहर आते हो तैसे भाजपाई क्या कहता है, क्यों दादा
क्यों माता जी? अरे फ्री में मिला ना भाजपा के राजमा, तो आपको कहा हाँ भैया मिला तो कई रुपया का, एक यूनिट पे 15 रुपए का। और जब घर में आए माता जी ने कहा कि बेटा जरा जाओ सरसों का तेल जरा 1 लीटर ले आओ, तो कितने में होएगा है? 200। पहले कितने में रहा? 40, 50, 60 में। यानी तुम्हें 15 रुपए का राशन फ्री दीन और एक्का चीज में तुम्हारा कचूमा निकाल ली, लेकिन तोरे होश नहीं आओ गया, ये उन्हें पढ़ाओ तो है समझ में आवत है। पेट्रोल दूना लड़का मांगत रहा पेट्रोल का 50-60 रुपए दिया था, 100 रुपया दिया था, डीजल की जरूरत पड़ी आज दूनम लिया था है? अरे मेरे साथियों आप बोल दो भाजपा के लोगों से कि मुझे फ्री राशन नहीं चाहिए, मुझे बहन कुमारी मायावती जी की तरह नौकरी चाहिए। बहन जी ने सरकार में अपने क्या किया था, कई लाख सफाई कर्मी, कई लाख पुलिस की भर्ती, कई लाख गार्ड की भर्ती, कई लाख मास्टर की भर्ती, कई लाख फोर्थ क्लास की भर्ती किया था कि नहीं? अरे मना कर दो कि हमको राशन नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई चाहिए, हमें अपने बच्चों की अच्छी दवाई चाहिए, हमें अपने बेटी और बेटा को नौकरी चाहिए। इस तरह बहन जी ने दिया था, अगर नौकरी मिल जाएगी, हमारी बिटिया नौकरी पा जाए चाहे बेटा नौकरी पा जाए, तो अपने घर में अच्छा राशन भी ले आएगी और बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई भी कराएगी और अच्छा साड़ी और कपड़ा भी लाएगी और जरूरत पड़ी तो अच्छी दवाई भी कराएगी। ये मेरे साथियों काहे अपने बाबा साहब के वोट के दिए अधिकार को बेच रहे हो? क्या कहा? राशन फ्री, सिलेंडर फ्री। हो सकता है आपके यहां भी कनेक्शन शुरू हुआ हो रहा उसका गैस सिलेंडर का, जैसे पाइप पड़ती थी ना पानी की, ऐसे गैस सिलेंडर की पाइप पड़ के कनेक्शन जा रहा है। यहां शुरू हुआ कि नहीं? हरदोई में अभी नहीं शुरू हुआ, लखनऊ में शुरू है, इसके पहले गुजरात में, चंडीगढ़ में, लुधियाना में, पंजाब में, बंबई में कनेक्शन से पाइप पड़ गया और सिलेंडर सब क्या हो गया? फादिल। अब भाजपा के लोग सोचे सिलेंडर का करी, कहने लगे चला यूपी में गरीबन को खोपड़ी पटक गया। पहले 400 कुछ, अब कितने में होगा? 1200 रुपया में। और सिलेंडर कहीं हमारे माई बहनी के आंख में आंसू लागत है, लकड़ी का इंडियन सिलेंडर दे रही था, लेकिन सिलेंडर ले आए। हमारे भैया गए, इनके सिलेंडर आवा सब्सिडी आए गए, माता जी गए पूछी कि भैया तुहार तो सब्सिडी आई हमार नहीं आई, पहुंच गए एजेंसी, एजेंसी वाला क्या कह रहा है? कहीं भैया हमार सब्सिडी नहीं आई, कहीं वो फ्री वाला सिलेंडर तो नहीं लिए हो? कहीं नहीं लिए तो फ्री वाला है, कहीं तो जब तक भाजपा वाले सूत ब्याज सहित तुहार काट न लिए तब तक तुहार सब्सिडी ना आए। अब अगर पूर्ण हो गए तो सबका आहू बंद हो गए, अब तो शायद क्यों ना आवे। और कुछ लोग हमारे खुश हो जाते का जैया 2000 खाता मावत है, कौन सम्मान निधि मैसेज आवाज कहीं बड़ा अच्छा होगा भैया आएगा, लेकिन आप ये नहीं गौर करते हो कि आपकी खाद की बोरी कितनी वजन की थी? 50। आप कई किलो खो गए? 5 किलो कहां चली गए? पूरे देश में जितनी खाद पड़ती है मेरे साथियों जरा गौर करिएगा मेरी बात को, 5 किलो खाद की बोरी में जो कम किया गया अगर इसको जोड़ लोगे तो इसकी कीमत जितनी बनेगी उसका आधा भी तुम्हें सम्मान निधि नहीं मिलती है। तू ही से उल्टा सीधा लग के तू ही दे तू ही खुश भय हो। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक इस देश का संविधान पूरी तरह लागू नहीं होगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। ए मेरे साथियों जरा गौर कर लो कि जब तक इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगी, जब तक इस देश की हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगी, जब तक माननीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, तब तक बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरी तरह लागू नहीं हो सकता और तब तक आप सबका इस देश में विकास पूरी तरह संभव नहीं है। इसलिए हम सबको जरा गौर करके, ध्यान करके, समझा करके, बुझा करके, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, जो न्याय पसंद लोग हैं वो भी आपके साथ खड़े होंगे जब आपको मजबूती ताकत में देखेंगे तो आप क्या करो, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, एससी एसटी समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज, सभी लोग इकट्ठा हो जाओ और आने वाला चुनाव चाहे नगर पंचायत का हो, पालिका का हो, वार्ड का हो, महापौर का हो, महानिगम का हो और चाहे लोकसभा कराओ, जवन कराओ
वहीं पे गांव-गांव सभी लोग लग जाओ और एकता करके मजबूती के साथ लग जाओ, निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में आएगी, चाहे नगर पंचायत हो चाहे लोकसभा हो। मेरे साथियों, अभी 30 दिसंबर को मान्या बहन जी ने एक बैठक लिया था, बस समाप्त कर रहे हैं एक मिनट में। और मान्या बहन जी ने क्या कहा कि इस देश का जो बड़ा उद्योगपति है ये बहुजन समाज पार्टी को जिंदा नहीं देखना चाहता, और इस बहुजन समाज पार्टी को ताकत देने के लिए जिंदा रखने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? हम सब की, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जब आती है तो सभी जाति धर्म समाज के गरीबों के हित के लिए काम करती है। माननीय बहन जी ने मेरे साथियों, इस बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे बाल बच्चों को नौकरी देने के लिए, हमारे बाल बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी दवाई के लिए माननीय बहन जी ने, हे मेरे साथियों, मांग में सिंदूर नहीं डाला, हाथ में चूड़िया नहीं पहनी बहन जी ने, अपना घर परिवार नहीं बसाया बहन जी ने, किसके लिए? हम सब के लिए। क्या हम अपने बहनों को रक्षाबंधन पर गिफ्ट नहीं देते? क्या खिचड़ी दिवाली त्योहारी पर हम लोग अपनी बहन बेटियों को गिफ्ट नहीं करते? क्या गांव में जब हमारे कार्यक्रम तमाम होते हैं मैं उसमें चंदा नहीं देता हूं कि आप नहीं देते हो? हम सभी लोग देते हैं। तो जो आपकी पार्टी है, जिस पार्टी के आगे बढ़ने से आपके बाल बच्चों का भविष्य बनेगा, आपका भविष्य बनेगा, क्या उस पार्टी को हम सहयोग नहीं कर सकते? जरा हाथ उठा के बताइए, सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?